Let's quickly cut across to Pakistan Interior Minister Rehman Malik, who is in Delhi and addressing the media. पेश किया तो मैं एक चैलेंज, कोई ऐसी बात नहीं मैंने की, और अगर कोई ऐसी मिसकम्युनिकेशन मिसपरसेप्शन है दैट शुड बी क्लियर्ड. आई नेवर मेंट दैट, आई नेवर सेड इट, इट वॉज कोटेड रादर मिस कोटेड. यस मस्ट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग इट जी. इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज यू सेड दैट यू कम विद यू नो मिशन ऑफ पीस, पर आते ही आपने ऐसी बात छेड़ दी. जी नहीं, ऐसी बात कोई नहीं हुई. मैं जब अंदर ही आया तो पहला फायर मुझ पे ये किया गया कि जी कालिया, कैप्टन कालिया जो है उस पे पाकिस्तान आर्मी के बिहाव पे आप माफी मांगे. मुझे तो पता भी नहीं था उस मैटर का, 15 साल पहले हुआ. मेरी बात तो सुन ले, नहीं मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले. एक होता पता होना, एक उसकी पूरी खोज रखना. तो मुझे थोड़ा सा तो मालूम था, पढ़ा हुआ था मैं. जन तो हुए नहीं हिंदुस्तान. नहीं नहीं मैं नहीं जानी, ऐसी बात नहीं. मेरी बात पहले मेरी बात सुने. जब मैंने मुझे पता था जितना मैंने बता दिया, और मैंने कहा कि मुझे इसकी पूरी मालूमात नहीं है, और ये बायलैटरली इशू नहीं उठाया गया. तो जब ये है ऐसी बात मैं जाऊंगा. आपने बोला ही वुड हैव डाइड बिकॉज ऑफ द वेदर. आइए मैं उसमें जा रहा हूं. जब मैंने कहा कि मुझे नहीं पता इतना, मैं जाके पता करूंगा तो बताऊंगा. दोबारा मोहतरमा ने सवाल किया मुझ पर और यही सवाल किया, तो मैंने कहा मैं नहीं बता सकता कि उसकी मौत जो है क्या गोली लगने से पाकिस्तानी हुई या हार्श वेदर की वजह से हुई. तो मैं अभी भी वो कह रहा हूं, मैं किसी के इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि नहीं पता. और ये मैंने अभी बाद में फोन करके पाकिस्तान से पूछा, मैंने कल भी पूछा, और पहली दफा इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे बताया कि ये हम मामला आपके सामने रखते हैं. अब इसके बाद जब मैं वापस आऊंगा, गवर्नमेंट ने तो पहले भी ये मामला रखा हुआ. जी आप गलत कह रही हैं, मैं इसको डिनाई करता हूं. ये मामला कभी भी ऑफिशियली नहीं आया, ये बायलैटरल का कभी हिस्सा नहीं रहा. अगर ना होता, अगर होता तो मुझे कल ये ना कहा जाता कि इसको भी हम देखना चाहते हैं. बहरहाल एक चीज कर दूं, मौत कहीं भी हो, किसी की शहादत हो या जैसे किसी की जान जाती है, उससे ग्रीफ आता है, उसमें परेशानी आती है. खून हम सब का सुरख है, वो इंडियन हो या पाकिस्तानी. मैं जो उनकी मौत हुई है उसका अफसोस भी करता हूं, उनके वालिद साहब के साथ भी दिल की गहराइयों से मैं अफसोस करता हूं, और वापस जाके इन्वेस्टिगेट भी करूंगा, पता भी करूंगा, और उसकी रिपोर्ट जैसे कि अब इश बायलैटरली आ चुका है हम उनका जरूर जवाब दें. जी आप 26/11 को भी लेके काफी बार आपने कहा हुआ है दैट इन्वेस्टिगेशंस विल बी डन, उसका तो कुछ नहीं हुआ, तो क्या पता कि आइए जरा इस तरह बात कीजिएगा. एक चीज को पॉजिटिव लेके चलें. जी क्राइम जो होता है उसकी एक बेसिक डेफिनेशन है क्राइम टू क्रिमिनल. जी 26/11 आपने मेरी बात कर ली ना, मुझे पता है बहुत अच्छा बोलती है जी, मुझे भी इजाजत दे थोड़ा मैं जवाब दे दूं. क्राइम टू क्रिमिनल, वो यहां क्राइम हुआ, आपके पास फैसिलिटी थी कि सारी क्राइम की जो एविडेंस थी फोरेंसिक थी या जो भी एविडेंस अवेलेबल थी ऑन वन विंडो. हमारे पास थी कॉन्स्पिरेसी एंड अबेटमेंट. और दुनिया में मैं चैलेंज करता हूं कि हमेशा कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट को प्रूव करना मुश्किल होता है. फिर भी हमने जो 7 लोग पकड़े हैं वो तो आपने नहीं कहा मलिक साहब बड़े अच्छा किया, 20 हमने पीओ डिक्लेयर की वो छत नहीं किया. आपने ये नहीं कहा कि मलिक साहब देखें आपने जहां कमीशन भेजा था उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं कराया गया था विटनेसेस को. हमने कितनी दफा लिखा है, आज भी मामला पड़ा रहा है. मैं आज शुक्रगुजार हूं शिंदे साहब का और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, आज इंडिया दिया गया कि वो जुडिशियल कमीशन होगा. 65 विटनेसेस से मैं 40 पे लाया, 40 से मैं 20 भुगत चुकी हैं, 4 ये हो जाएंगी 24, बाकी रहेगी कोई 16. तो 16 मुझे पता है कि अगर ये हमारा जुडिशियल कमीशन फारिग हो जाता है अगले 2-3 महीने में कंक्लूड हो जाएगा. लिहाजा कन्वे पॉजिटिव कीजिएगा. मैं यहां पे अभी भी कहता हूं पीस कमीशन और पीस का मैसेज, लव एंड अफेक्शन का मैसेज, इसको मीडिया में चाहूंगा इसको लव एंड अफेक्शन रखें, इसको दूसरी तरफ ना ले जाएं. थैंक यू. वो आप प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको प्रेरोगेटिव है, सीनियर हैं. जो बाकी सवाल आपने करने हैं इस सिलसिले में उनसे कहिएगा. मैं इतना कहूंगा कि उन्होंने जो बातें की हैं बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी लगी, और वो जो मैसेजेस उन्होंने मेरी लीडरशिप के लिए दिए या मैं अपनी लीडरशिप से लेके आया था या जो मेरी बातचीत हुई उन इरिटेंट्स के मुतालिक जो हैं उनका इंशाल्लाह आप रिजल्ट अच्छा होता हुआ देखेंगे. थैंक यू सर. आगे चला जाऊंगा.